श्री विष्णु पुराण दूसरा अंश 14वां अध्याय जड़ भरत और सौवीर नरेश का संवाद। इसे पिछले अध्याय में हमने भरत चरित्र के विषय में सुना। अब आगे श्री पराशर जी ने कहा, उनके ये परमार्थमय वचन सुनकर राजा ने विनयावनत होकर उन विप्रवर से कहा। राजा ने कहा, भगवान आपने जो परमार्थमय वचन कहे हैं उन्हें सुनकर मेरी मनोवृत्तियां भ्रांत सी हो गई हैं। हे विप्र, आपने संपूर्ण जीवों में व्याप्त जिस असंग विज्ञान का दिग्दर्शन कराया है वह प्रकृति से परे ब्रह्म ही है, परंतु आपने जो कहा कि मैं शिविका को बहन नहीं कर रहा हूँ, शिविका मेरे ऊपर नहीं है, जिसने इसे उठा रखा है वह शरीर मुझसे अत्यंत पृथक है। जीवों की प्रवृत्ति गुणों की प्रेरणा से होती है और गुण कर्मों से प्रेरित होकर प्रवृत्त होते हैं, इसमें मेरा कर्तव्य कैसे माना जा सकता है? हे परमार्थयज्ञ, यह बात मेरे कानों में पड़ते ही मेरा मन परमार्थ का जिज्ञासु होकर बड़ा उतावला हो रहा है। हे द्विज, मैं तो पहले ही महाभाग कपिल मुनि से यह पूछने के लिए कि बताइए संसार में मनुष्यों का श्रेय किसमें है, उनके पास जाने को तत्पर हुआ हूँ, किंतु बीच में ही आपने जो वाक्य कहे हैं उन्हें सुनकर मेरा चित्त परमार्थ श्रवण करने के लिए आपकी ओर झुक गया है। हे द्विज, हे कपिल मुनि, सर्वभूत भगवान विष्णु के ही अंश हैं। इन्होंने संसार का मोह दूर करने के लिए ही पृथ्वी का अवतार लिया है, किंतु आप जो इस प्रकार भाषण कर रहे हैं उससे मुझे निश्चय होता है कि वे ही भगवान कपिल देव मेरे हित की कामना से यहाँ आपके रूप में प्रकट हो गए हैं। अतः हे द्विज, हमारा जो परम श्रेय हो वह आप मुझ विनीत से कहिए। हे प्रभो, आप संपूर्ण विज्ञान तरंगों के मानव समुद्र ही हैं। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, तुम श्रेय पूछना चाहते हो या परमार्थ? क्योंकि हे भूपते, श्रेय तो सब अपारमार्थिक ही है। हे नृप, जो पुरुष देवताओं की आराधना करके धन संपत्ति पुत्र और राज्य आदि की इच्छा करता है उसके लिए तो वे ही परम श्रेय हैं। जिसका फल स्वर्गलोक की प्राप्ति है वह अज्ञात्मक कर्म भी श्रेय है, किंतु प्रधान श्रेय तो उसके फल की इच्छा न करने में ही है। अतः ही राजन, योग युक्त पुरुषों को प्रकृति आदि से अतीत इस आत्मा का ही ध्यान करना चाहिए, क्योंकि उस परमात्मा का संयोग रूप श्रेय ही वास्तविक श्रेय है। इस प्रकार श्रेय तो सैकड़ों हजारों प्रकार के अनेकों हैं, किंतु ये सब परमार्थ नहीं है। अब जो परमार्थ है उसे सुनो। यदि धन ही परमार्थ है तो धर्म के लिए उसका त्याग क्यों किया जाता है तथा इच्छित भोगों की प्राप्ति के लिए उसका व्यय क्यों किया जाता है? हे नरेश्वर, यदि पुत्र को परमार्थ कहा जाए तो वह तो अन्य का परमार्थ भूत है तथा उसका पिता भी दूसरे का पुत्र होने के कारण उसका परमार्थ होगा। अतः इस चराचर जगत में पिता का कार्य रूप पुत्र भी परमार्थ नहीं है, क्योंकि फिर तो सभी कारणों के कार्य परमार्थ हो जाएंगे। यदि संसार में राज्य आदि की प्राप्ति को परमार्थ कहा जाए तो ये कभी रहते हैं और कभी नहीं रहते। अतः परमार्थ भी आगमापाई है, आगमापाई हो जाएगा। यदि ऋक युज और सामरूप वेद त्रयी से संपन्न होने वाले यज्ञ कर्म को परमार्थ मानते हो तो उसके विषय में मेरा ऐसा विचार है। हे नृप, जो वस्तु कारण रूपा मृत्तिका का कार्य होती है वह कारण की अनुगामनी होने से मृत्तिका रूप ही मानी जाती है। अतः जो क्रिया समिध घृत और कुसा आदि नाशवान द्रव्यों से संपन्न होती है वह भी नाशवान ही होगी, किंतु परमार्थ को तो प्राज्ञ पुरुष अविनाशी बतलाते हैं और नाशवान द्रव्यों से निष्पन्न होने के कारण कर्म नाशवान ही हैं, इसमें संदेह नहीं। यदि फलाशा से रहित निष्काम कर्म को परमार्थ मानते हो तो वह तो मुक्ति रूप फल का साधन होने से साधन ही है, परमार्थ नहीं। यदि देह आदि से आत्मा का पार्थक्य विचार कर उसके ध्यान करने को परमार्थ कहा जाए
तो वह तो अनात्मा से आत्मा का भेद करने वाला है और परमार्थ में भेद है नहीं। यदि परमात्मा और जीवात्मा के संयोग को परमार्थ कहें तो ऐसा कहना सर्वथा मिथ्या है, क्योंकि अन्य द्रव्य से अन्य द्रव्य की एकता कभी नहीं हो सकती। अतः ही राजन, निसंदेह ये सब श्रेय ही हैं। अब जो परमार्थ है वह मैं संक्षेप से सुनाता हूँ, श्रवण करो। आत्मा एक व्यापक सम शुद्ध निर्गुण और प्रकृति से परे है। वह जन्म वृद्धि आदि से रहित सर्वव्यापी और अव्यय है। हे राजन, वह परम ज्ञानमय है। असत नाम और जाति आदि से उस सर्वव्यापक का संयोग न कभी हुआ, न है और न होगा। वह अपने और अन्य प्राणियों के शरीर में विद्यमान रहते हुए भी एक ही है। इस प्रकार का जो विशेष ज्ञान है वही परमार्थ है। दैत्य भावना वाले पुरुष तो अपरमार्थ दर्शी हैं। जिस प्रकार अभिन्न भाव से व्याप्त एक ही वायु के बांसुरी के छिद्रों के भेद से सड़ज आदि भेद होते हैं, उसी प्रकार एक ही परमात्मा के अनेक भेद प्रतीत होते हैं। एक रूपा आत्मा के जो नाना भेद हैं, वे बाहा देह आदि की कर्म प्रवृत्ति के कारण ही हुए हैं। देव आदि शरीरों के भेद का निराकरण हो जाने पर वह नहीं रहता, उसकी स्थिति तो अविद्या के आवरण तक ही है। श्री विष्णु पुराण दूसरा अंश 14वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण।